अगर आपने गूगल एड्स पर एड क्रिएट किया और आपका एड डिसअप्रूव हो गया, आपको क्या करना चाहिए, कैसे सही करना चाहिए और अपने ऐड को रन करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा, अगर आपका ऐड अप्रूव हो गया और फिर भी उस पर इंप्रेशंस व्यूज कुछ नहीं आ रहे तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे सही करना है, सब कुछ सॉल्यूशन देने वाला हूं आपको। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना अगर आपके साथ सेम प्रॉब्लम है या फिर आप इसके बारे में जानना चाहते हो आगे जाके, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहना। स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कवर करते हैं अगर आपका ऐड डिसअप्रूव हो गया तब आपको क्या करना है, कैसे सही करना है उसे। तो सबसे पहले एड डिसअप्रूव होने के पीछे बहुत से रीजन है जिसको आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना है कि आपका एड डिसअप्रूव क्यों हुआ। जब भी आपका एड डिसअप्रूव होता है तो आपको रीजन दिया जाता है, गूगल बताता है, आपके एड्स एंड एक्सटेंशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका एड डिसअप्रूव क्यों हुआ। कॉपीराइटेड कंटेंट, बाइनरी ऑप्शंस, शॉकिंग कंटेंट, बहुत सी चीजें होती है जिसकी वजह से आपका एड डिसअप्रूव हो सकता है। तो आपको जानना है आपका किस वजह से हुआ। उसको जान लेने के बाद आपको क्या करना है, एक लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर, उस पर जाना है। पहले आपको लाइव दिखा देता हूँ, तो इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर जा सकते हो। इसमें आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कॉमन से रीज़न क्यों ऐड डिसअप्रूव होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, अनएक्सेप्टेबल वीडियो फॉर्मेट, अनअवेलेबल वीडियो, मेनली क्या होता है अडल्ट कॉन्टेंट का आता है कई बार, तो इसके अंदर क्लिक करके अडल्ट कॉन्टेंट पॉलिसी पढ़ सकते हो। इससे होगा क्या, इन सब चीज़ों से करने से आगे जाके आप ये गलतियां नहीं करोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ऐड रन करने में, क्योंकि आपको शुरुआत से पता होगा कैसा ऐड रन होगा और कैसा नहीं होगा। तो आपको इसे पढ़ लेना चाहिए, कॉपीराइट का भी आता है कई बार, शॉकिंग कंटेंट का आता है। और अगर फिर भी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टॉप राइट में आपके डैशबोर्ड के अंदर गूगल एडवर्ड्स के यहाँ पे टॉप राइट में ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट अस, इस पर क्लिक करके आप सिंपली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनको बता सकते हो और वो आपका सॉल्यूशन दे देंगे आपको, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे देंगे आपको लाइव चैट के थ्रू। और कई बार साथ ही साथ ऐसा भी होता है आप थोड़े से चेंजेस करके अपने ऐड को अप्रूव करवा सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर अगर ये वाला ऐड देखोगे आप लोग, ये डिसअप्रूव हो गया था पहले स्टार्टिंग में मिसलीडिंग कंटेंट की वजह से, लेकिन इसको मैंने थोड़े चेंजेस किए, थोड़े टाइटल में चेंज, हेडिंग में चेंजेस किए, थोड़े डिस्क्रिप्शन में चेंजेस किए और फिर उसके बाद दोबारा से अपील किया और फिर ये ऐड अप्रूव हो गया उसके कुछ घंटे बाद। तो ऐसे आप कर सकते हो, आप थोड़े चेंजेस ला सकते हो, अपनी हेडिंग को थोड़ा चेंज कर दो, डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दो, उससे भी आपका ऐड अप्रूव हो सकता है। हो सकता है कुछ छोटी सी चीज हो जिसको आपको सही करना और आपका ऐड अप्रूव हो जाए। तो ऐसे करके आपको अपने ऐड को अप्रूव करवाना है, आपको सबसे पहले रीजन ढूंढना है क्यों डिसअप्रूव हुआ, उसको फिर चेक करना है एक बार कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। हो सकता है आप सिंपली कुछ हेडलाइन चेंज कर दो, कुछ डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर दो अपने ऐड के और आपका ऐड अप्रूव हो जाए। और अगर प्रॉब्लम आती है फिर भी तो एक बार उनको लाइव चैट के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दे देंगे आपको। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर कि अगर आपका ऐड अप्रूव भी हो चुका है और बट आपके इंप्रेशंस नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, व्यूज नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा कॉमन रीजन जिसकी वजह से लोगों के इंप्रेशंस नहीं आते और व्यूज नहीं आते ऐड के ऊपर, वो ये है कि उनकी बिडिंग होती है, जो बिड होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिस हिसाब से उन्होंने टारगेट किया होता है ऑडियंस को उसके हिसाब से वो बिड कम रखी होती है उन्होंने। अब एग्जांपल के तौर में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपने एक कैंपेन क्रिएट किया, आपने एक ऑडियंस को टारगेट किया, गूगल को बताया मुझे इस ऑडियंस को टारगेट करना है जो हिंदी जानती है, मेल होनी चाहिए, इतनी एज की होनी चाहिए। अब उस ऑडियंस का एक रेट होता है, एक वैल्यू होती है उस ऑडियंस की, अगर आप उस वैल्यू से कम वैल्यू डालते हो बिड के ऊपर, जो आपका बिड का सेक्शन होता है एड ग्रुप के अंदर, उसके अंदर आप कम रखते हो अपनी बिड, तो चांसेस है कि आपका जो ऐड होगा वो उन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा है जिसको आपने टारगेट किया है। तो इसका पहला सॉल्यूशन क्या है, आपको अपनी बिड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। और बिड कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बिड इंक्रीज करने के लिए आपको कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स में जाना होगा, फिर आपको वहां से अपनी बिड को इंक्रीज करना होगा। अगर आपकी 10 पैसा है आप 11 पैसा 12 पैसा करके देखो और ऐसे थोड़ा इंक्रीज करके ट्राई करना है। अगर इंप्रेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और ज़रूर आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि कॉमन रीज़न यही होता है कि आपके इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं आपके ऐड के ऊपर। अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, दूसरे पॉइंट के ऊपर, अगर आपके बिड भी आपने एडजस्ट कर ली फिर भी इंप्रेशन नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, उस जगह आपको एक नया कैंपेन क्रिएट करना है बिल्कुल स्क्रैच से। हो सकता है आप सेम वीडियो को प्रमोट करो, सेम कंटेंट को प्रमोट करो, लेकिन आपको कैंपेन एक नया क्रिएट करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि हो सकता है आपने जो पिछला कैंपेन क्रिएट किया था उस कैंपेन के अंदर आप बहुत नैरो चले गए, आपने गूगल एड्स को बोला मुझे सिर्फ इसी ऑडियंस को टारगेट करना है। तो होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा नैरो चले जाते हो, बहुत डीप जाते हो, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हो एक,
तो आपकी वहाँ पे कॉस्ट पर व्यू हाई चली जाती है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है पर व्यू का। तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको ब्रॉड टारगेट करना है, एक नया कैंपेन क्रिएट करो और टारगेटिंग अपनी ब्रॉड रखो, वाइड ऑडियंस को टारगेट करो। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली, कंट्री के अंदर मेल सेलेक्ट कर लिया, फीमेल सेलेक्ट कर लिया किसी एक चीज़ को, फिर उसके अंदर आपने एज भी दे दी गूगल को, सिर्फ 18-24 होनी चाहिए, फिर उसके अंदर लैंग्वेज भी दे दी, फिर उसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें डाल दी, फिर ऑडियंस बहुत कम हो जाएगी। अगर आपको राइट साइड में दिखेगा इंप्रेशंस दिखते हैं, वहाँ पर आपको इंप्रेशंस अगर बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको काफ़ी वाइड रखना है। अगर आप बड़ी ऑडियंस को टारगेट करोगे, आपका एड आपकी बिड के हिसाब से किसी ना किसी तक पहुँच जाएगा और उस पर इंप्रेशंस आ जाएंगे। तो ये थे दो सिंपल से तरीके, अगर आपके इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं एड के ऊपर, फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिडिंग इंक्रीज करके देखो सबसे पहले, फिर अगर नहीं होता है बिड से भी तो कैंपेन न्यू क्रिएट करो और अपनी ऑडियंस थोड़ी वाइड रखो जिसको टारगेट करने वाले। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलूंगा आप लोगों को, तब तक के लिए टाटा।